मैं आ गया हूँ आपका जो वीडियोकॉन का मोबाइल था ना, जो V5010 उसका जो बाईपास नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा टाइम कुछ काम करने के बाद एक वीडियो बनाया था। तो बहुत लंग वीडियो हो रहा था, मैंने कट कर दिया था, कोई चारा नहीं था। तो उसके बाद देखा एक काम करने के बाद ये आया है कुछ, मतलब पीसी विदाउट पीसी छोड़कर ये काम करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा, 15 या 20 मिनट तक एक टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा, बट आपका एलसीडी के ऊपर ऐड आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मोबाइल को ऑन करके आपको क्रोम ब्राउज़र, मतलब आपका मोबाइल को ऑन करने के बाद आपको ये करना है, मतलब क्या करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ऐड आएगा कुछ टाइम बाद, मतलब 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर किसी भी करके एक ऐड आएगा ही आएगा, उसका सिस्टम ही ऐसे कुछ है। तो ऐड आने के बाद आपको वहाँ पर क्लिक करना है ऐड के ऊपर, और कोई भी ऐप एक डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पर पहले ही आपका शायद ओपेरा मिनी वो भी ओपन हो जाएगा अकेला, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपेरा मिनी से आपको ये काम करना है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कैसे किया। और उसके पहले उससे पहले बात बता दें, आपका ओपेरा मिनी किसी भी करके खोल भी जाता है, आप ना कर उसको मतलब वो चला जाता है, उसको आप कैसे पा सकते हैं ओपेरा मिनी वहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर होम की पर, यहाँ पर होम की बाईपास करने के लिए आपको होम की नहीं काम करता है, मतलब होम की का कोई काम ही नहीं होता है, तब काम नहीं करता है। यहाँ पर होम की काम करेगा, मतलब बाईपास के टाइम आपका होम की यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो आपको होम की काम करने के बाद हम लोगों का यहाँ पर इस तरह जो सिस्टम आती है ना, यहाँ पर कुछ सिस्टम आती है, यहाँ पर इस तरह के जो सिस्टम आती है, इस तरह यहाँ पर आपको ओपेरा मिनी भी आ जाएगा। ये होम की प्रेस करने के बाद आपका ओपेरा मिनी आ जाएगा। तो आप वहाँ पर ओपेरा मिनी से आपको ये ऐप डाउनलोड करके हार्ड रीसेट करना है, उसके बाद आपका मोबाइल सही हो जाएगा। तो मैं प्लीज़ वीडियो को अच्छा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, तो अच्छा नहीं लगा तो और इसका भी हार्ड रीसेट भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहाँ पर जाकर आप हार्ड रीसेट भी देख सकते हैं। और ये जो वॉइस बाईपास है ये थोड़ा टाइम लगेगा बस, और कोई चारा नहीं था। और आपके पास कोई सिस्टम है तो मुझे कमेंट में बताना तो कैसे होता है, तो मैं वो भी आपके इस वीडियो में लाऊंगा। तो शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और जो नए हैं मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मोबाइल के बारे में नया कुछ जानना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी भी बजा देना, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखिए। यहाँ पर ये काम करेगा, ज़रूर काम करेगा, ये एडवर्टाइज आएगा ही आएगा। और यहाँ पर मोबाइल के ऊपर क्रोम ब्राउज़र खुलेगा भी, ठीक है। एक प्ले स्टोर के यहाँ पर एक ऐड आने के बाद वहाँ पर आप ओपेरा मिनी भी ओपन भी हो जाएगा, और यहाँ पर ऐप्स भी डाउनलोड होगा, और दूसरा कोई ऐप्स डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको काम कर लेना है, ठीक है। अगर ओपेरा मिनी आसानी से आ जाए तो आपको ओपेरा मिनी से ही काम करवाना है, ठीक है। और चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए कैसे काम किया मैंने।